महंगाई के खिलाफ जिला कांग्रेस ने हमीरपुर गांधी चौक पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार को महंगाई के लिए जमकर कोसा। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर की अगुवाई में कांग्रेस पदाधिकारियों ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पेट्रोल डीजल की कीमतों के बढ़ने पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रदेश महासचिव सुनील बिट्टू, पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया के अलावा काफी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बाद में कांग्रेसी नेताओं ने डीसी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भी सौंपा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने कहा कि आए दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, जिस कारण जनता त्रस्त है। उन्होंने कहा कि महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार से मांग की जा रही है कि महंगाई को कम किया जाए। आज का जो धरना प्रदर्शन है वो पूरे प्रदेश भर में हर ब्लॉक स्तर पर और जिला मुख्यालय में मनाया जा रहा है और ये ठाकुर सुखेंद्र सिंह सुक्खू जी के आह्वान पर सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी जो है, जो हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से बस का किराया बढ़ाया गया है और आम जनता के ऊपर जो उसका बोझ पड़ा है उसके विरोध में कि उस कम को किराए को कम किया जाए, उसके विरोध में आज जो ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और साथ में ही ये जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतें रोज़ाना बढ़ रही हैं और आज जिस स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं उससे महंगाई को भी बढ़ावा मिला है और उसके विरोध प्रदर्शन के लिए ही आज जो ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ तक 5 रुपये कम करने की बात है, ये तो ऊँट के मुँह में जीरा डालने वाली बात है, क्योंकि लगातार जो पेट्रोल डीजल की कीमतें वो बढ़ाई जा रही हैं और ये आंशिक रूप से एक किराया को कम, सॉरी जो आपका पेट्रोल डीजल की कीमतें कम की गई हैं, परंतु उसी तरस पर देखा जाए तो किराया जो है और ज़्यादा बढ़ा दिया, जिससे आम जनता के ऊपर जो है इसका बहुत ज़्यादा बोझ। वहीं पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने कहा कि आज ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और केंद्र सरकार के द्वारा आए दिन महंगाई को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसका विरोध आज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बस किराए में बेतहाशा वृद्धि की गई है, जिससे आम जनता का जीना दुर्भर बना हुआ है। आज का जो धरना है वो ब्लॉक स्तर पर धरना है, जो सरकार ने लोगों के साथ जो एक जो वायदे खिलाफी की है और सरकार ने जो अपनी जिम्मेदारी से हटके जनता के ऊपर जिसका बोझ डाला है बस किराए की वृद्धि का, सरकार चाहती तो इसका जो है वो टैक्स कम करके जीएसटी में लाती तो भी किराए कम हो जाने थे, लेकिन उसको ना कम करते हुए इन्होंने जो है आम जनता पे बोझ डाला है, उसके प्रति आज कांग्रेस पार्टी जो है ब्लॉक स्तर पर अपना धरना कर रही है और सरकार को आगाह कर रही है कि अगर ये जल्दी से जल्दी इस फैसले को वापस लिया तो कांग्रेस और भी आगे तक इसका धरने को बढ़ाएगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस महासचिव सुनील शर्मा बिट्टू ने बताया कि जिस तरह से पीएम मोदी ने महंगाई को बढ़ाया है, इसका हिसाब जनता आने वाले लोकसभा चुनावों में देगी। उन्होंने कहा कि आज के धरने में यही मांग की जा रही है कि महंगाई को कम किया जाए। मोदी जी बातों से काम नहीं चलेगा, आपने डीजल पेट्रोल गैस जो महंगाई बढ़ाई है, आने वाले लोकसभा चुनावों में जनता इसका हिसाब मांगे। आपके भाषण, आपके विदेश यात्राओं से लोग तंग आ चुके हैं और आज जो हमारा कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी का धरना है जो जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर की अध्यक्षता में हो रहा है, उसमें सभी कांग्रेस जन ये अपील करते हैं कि इस महंगाई को कम किया जाए और जनता आपके झूठे वादों से मोदी जी तंग आ चुकी है।